नमस्कार, अपन सर अपन खबर में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं रूपाली। आप खबरों की ओर रुख करते हैं। जिले के उजियारपुर किसान कोल्ड स्टोरेज लखनीपुर में किसान सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम किया गया। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर क्षेत्र में स्थापित किसान सेवा कोल्ड स्टोरेज पर आज शुक्रवार को किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कोल्ड स्टोर के MD शकील एकता ने कहा कि किसान इस देश का रीढ़ है, इनके विकास से ही राष्ट्र विकसित होगा। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज की ओर से किसानों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर उपस्थित काफी संख्या में किसानों को संबोधित करते हुए MD ने कहा कि समस्तीपुर जिला आलू उत्पाद में एक अहम भूमिका निभाता है। सुविधाओं के अभाव में प्रतिवर्ष सैकड़ों क्विंटल आलू किसानों के घर में सड़ जाता है। ऐसी स्थिति में किसान सेवा कोल्ड स्टोर किसानों को हर संभव अपने स्तर से मदद करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इस आधुनिक कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें 0% पर कर्ज भी दिया जा रहा है, ताकि किसानों की माली हालत में सुधार हो सके और यह देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता रहे। इस अवसर पर लगभग 100 किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। उन्होंने बताया कि यहाँ का कोल्ड स्टोरेज सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जहाँ किसान आलू के साथ साथ अपने सभी फलों को उत्पादन को भी रखकर सुरक्षित रख सकते हैं। किसानों को काफ़ी आर्थिक लाभ भी पहुँचता है। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं में डॉक्टर जावेद अहमद, हसीब अनवर, पूर्व विधायक चंद्रवली ठाकुर, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तरुण चौधरी, काजी नकीब एकता, जमशेद आदिल, राहुल कुमार, काजी शकील एकता, काजी नईम एकता एवं कमलकांत राय भी स्कूल स्टोरेज के माध्यम से किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र करते हुए कोल्ड स्टोर के संचालक को बधाई दिया। उजियारपुर से डी न्यूज के लिए जमशेद आलम की रिपोर्ट। जो 2018 में जितने किसान आलू रखे हैं करीब करीब 3,000, उन लोगों को लकी ड्रॉ होना है, जिसके लिए चीफ गेस्ट डॉक्टर जावेद साहब को बुलाया गया है और उनका अपना चूँकि क्षेत्र में काम था इसलिए सहूलत थे, आ गए। चीफ गेस्ट वो हैं और एक और हैं, बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसमें चीफ गेस्ट वो हैं। इसमें करीब 100 आदमी को ये मिलेगा, क्या नाम है, प्राइज लकी ड्रॉ मिलेगा, जो भी रखे हैं उनको, जिसमें बहुत सारे प्राइजेज हैं। तो जो किसान ज़्यादा आलू रखे हैं उनके लिए? नहीं नहीं, सब के लिए, चाहे 10 बोरा मिनिमम 10 बोरा भी रखे हैं उनको लकी ड्रॉ मिलेगा। तो और दूसरे सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ चूँकि पूरे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में फुल नहीं होता है, लेकिन मेरे यहाँ 100% फुल होता है, इसलिए कि ये ऑटोमेटिक प्लांट है। ऑटोमेटिक प्लांट बिहार में दो ही है, एक मेरा है और एक आरा में वैशाली कोल्ड स्टोरेज है, तो इसलिए मेरे यहाँ फुल होता है। और इसीलिए इनक्रेज करने के लिए किसान को हम लोग ये देते हैं, प्राइस देते हैं, ताकि लोगों का इंकरेजमेंट हो। और दूसरे यहाँ पर दो चीज़ बहुत अपॉर्चुनिटी है, जो बिहार में पहला ये मल्टीपर्पस कोल्ड स्टोरेज अलग बनाया गया, और रैपनिंग चैम्बर जो यहाँ जनरली लोग केला और जो खाते हैं कार्बाइड से पका हुआ, ये आप इरगॉन गैस से पकेगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये आह्वान है कि कार्बाइड से पका हुआ नहीं खाया जाए फल, गैस से पका है जो नुकसान नहीं है, वो एक बिहार में पहला बना है। इसमें किसान अगर रखना चाहें हर चीज़ अपना प्रोडक्ट रखेंगे, टमाटर से लेके सेब फल और केला वगैरह यहीं पकेगा, हर आम भी पकेगा, और किसान के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और हम सबसे बड़ा चीज़ है कि बगैर सूद का किसान को लोन प्रोवाइड करते हैं, जो हम 1 पैसा सूद नहीं दे, पिछले साल भी 1.5 करोड़ लोन दिया, हमने 1 पैसा इंटरेस्ट नहीं दिया, और किसान दुगुना आलू जब रेट बढ़ता है या फल का, तो डेढ़ गुना दो गुना में बेचते हैं, जिससे किसान की आय, जो मोदी जी का आह्वान है, डबल होता है, यहाँ डबल वास्तव में होता है, ये कोई झूठ बात नहीं है, किसी भी किसान से पूछ लीजिए, व्यापारी से पूछ लीजिए, उनका डबल आय होता है, चूँकि उनको इंटरेस्ट लगता नहीं है, और कोल्ड स्टोरेज 2-3% इंटरेस्ट लेते हैं महीने का, लेकिन हम लोग नहीं लेते। थैंक यू।
वही किसान सम्मेलन सह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के बाद आगामी 3 फरवरी को पटना गांधी मैदान में आयोजित जन आकांक्षा रैली से संबंधित पहलुओं पर डॉक्टर जावेद अहमद ने पत्रकारों से बात किया। हमारा कार्यक्रम है जनसंपर्क और अभी जो 3 तारीख को राहुल गांधी जी गांधी मैदान में आ रहे हैं उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का और उनसे आह्वान करने का कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। और जो मैं मूड देख रहा हूं और हमारे साथी लोग अलग अलग बिहार के कोनों में घूम रहे हैं तो हम लोग जितना दावत दे रहे हैं उससे ज़्यादा लोग आना चाहते हैं और उत्साह है, कांग्रेस की तरफ झुकाव है और ख़ास करके हमारे नेता श्री राहुल गांधी के ईमानदारी और जो उनकी जो सिंपल छवि है उस पर लोग बहुत उम्मीद के साथ कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं और उसी का एक नतीजा होगा जो गांधी मैदान में परसों हमें देखने को मिलेगा। हम समझते हैं उतनी भीड़ आज तक के हिस्ट्री में गांधी मैदान में कभी नहीं हुई होगी जो 3 तारीख को।